बॉडी को माइंड को हमने परेशान तो बहुत किया है और करते ही जा रहे हैं हमारा एंटरटेनमेंट हमारी बॉडी को परेशान करके होता है आपने देखा सारी एंटरटेनमेंट की जो चीजें होती हैं वो हम अपनी बॉडी को और अपने माइंड को परेशान करके खुश होता है एंटरटेनमेंट होता है कोई भी चीज ओवरडू करना मूवी देख रहे हैं देखते ही जा रहे हैं ठीक है आईज बोल रही है कि आई नीड सम रेस्ट मुझे ब्लू लाइट नहीं झेली जा रही है और बट वी डोंट लिसन वी वी डोंट जस्ट कीप डूइंग हमको पता है क्या सही है क्या गलत है लेकिन हमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी किसी चीज को ना बोलने का अपने अंदर है ना तो पूरे दिन ये दिन रात की चीज है परेशान होते हैं अभी भी पता है हमको बहुत अच्छे से कि हमारे पास ये पावर है इस चीज को चेंज करने की हमको ये पता है कि बाहर की एक्सटर्नल प्रॉब्लम है मैं इसको बदल सकती हूँ लेकिन फिर भी हम परेशान होते हैं है ना तो हमने माइंड को भी बहुत सताया है परेशान किया है वी द माइंड अलॉट

ठीक है उसमें आपको रेस्टफुल स्लीप में होना जरूरी है थीटा ऑनवर्ड्स थीटा ऑनवर्ड्स मतलब डीप स्लीप में आपको जाना जरूरी होता है तब जाके बॉडी में हार्मोन्स और सेल्स और ये सब बनते हैं और वो भी साढ़े दस बजे के बाद ऐसा अप्रॉक्सिमेट वो वाला टाइम होता है जब आपको रेस्टफुल डीप स्लीप में होना होता है तब जाके बॉडी में अगर आपने वर्कआउट किया है तो फैट लॉस होगा अगर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है तो आपके मसल्स भी तो बनते हैं उससे मसल्स भी रात को ही बनते हैं चाहे आपने सुबह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की हो वो भी गहरी नींद में बनते हैं आपकी बॉडी में जितनी भी फिक्सिंग होती है वो रात में होती है जब हम डीप स्लीप में होते तो हमने बहुत टॉर्चर किया मेंटली हमने अपने आप को बहुत टॉर्चर किया है, है ना किसी और की वजह से किसी और ने कोई बिहेवियर किया लेकिन हमने पनिश अपने आप को किया है हम रोना धोना ये सब करते रहते हैं पनिश हम अपने आप को करते हैं एक सेकंड नहीं लगता है हमको अपने ऊपर किसी का भी गुस्सा निकालने में है ना देर आर टाइम्स जब गुस्से में हमने खाना नहीं खाया है अरे मतलब ये क्या बात हुई बॉडी को पनिश किया है बिकॉज किसी और ने कुछ कहा था तो इस तरह से और ऑन गोइंग प्रोसेस है इट्स नॉट दैट इट्स ओवर येट यू नो इट्स नॉट ओवर एवरी डे समथिंग हैपन्स इवन नाउ वी टॉर्चर इवन नाउ वी गोन ओवर ड्राइव इवन नाउ हमारे एंटरटेनमेंट का सोर्स हमारी इज इक्वल टू टॉर्चर टू द बॉडी होता है कभी भी आप देखना तो कोई जश्न है कोई सेलिब्रेशन है तो उसमें हम आ, खाना हैवी वाला बनाएंगे जो डाइजेस्ट होने में मुश्किल होता है है ना अगर जश्न सेलिब्रेटरी फूड अगर है तो हम लॉकेट इंडिया तो तो नहीं बनाएंगे ना वी विल मेक समथिंग विच इज ए मलाइकोफते और वट एवर इट इज यू नो जो डीप राइट सब कुछ होता है तो वो हम करेंगे तो हमारा जश्न इज इक्वल टू टॉर्चर टू द बॉडी हैप्पीनेस इज इक्वल टू टॉर्चर टू द बॉडी वेकेशन इज इक्वल टू टॉर्चर टू द बॉडी दिस इज हाउ इट इज लाइक I I feel like having a drink also people will have all the soft drinks and things like that. So even when you're thirsty, although वो आपको dehydrate कर रही है, soft drink पी रहे हो तो वो प्यास थोड़ी तो बुझाती है, वो dehydrate कर रही है आपको, और ज़्यादा torture दे रही है, plus इतना carboxylic acid उसमें जो है, है ना? So वो सब, so having a drink is equal to torture to the body. Okay, happiness, festival, celebration is equal to torture to the body, right? Anybody behaving in any way in your environment is equal to torture to the body. Boss ने आपका appraisal नहीं किया, is equal to torture to my body. You know, business में आज कुछ ऐसी बात हो गई, कहाँ सुनी हो गई किसी को, is equal to torture to my body.

हो सकता है आज आज हमको मेंटली बहुत अच्छा नहीं फील होता है यू you नो know, बहुत लो होते हैं कभी कभी अभी भी ऐसे हम ग्रज में रहते हैं क्या कि किसी ने टॉर्चर अपने आप को किया हमने so, इस तरह मैजिक मेरा प्रैक्टिस उन चीजों को न्यूट्रलाइज कर देगा एंड दैट इज वॉट इट इज है ना